बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश फ्रेजेस की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा 30 ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस जो आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ये फ्रेजेस या सेंटेंसेस के हवाले से तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस के लिंक भी मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं एंड स्क्रीन पे या वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप इन्हें उठा सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे 30 इंग्लिश फ्रेजेस स्पोकन ऑन डेली बेस। 30 ऐसे फ्रेजेस जिन्हें आप मुख्तलिफ सूरतों में अपनी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं। या मैं प्रोनाउंसिएशन का जिक्र करना चाहूंगा कि आप कोशिश करें अल्फाज को ऐसे प्रोनाउंस करें जैसे आप सुनते हैं, ताकि साथ साथ आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो। तीसरी चीज, अ लिटिल बिट अबाउट स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैं आपको कुछ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि आप उन्हें एज अ स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे उनसे मजीद आप सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और अपनी रूटीन लाइफ में बोल सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि अगर मैं नई इस तरह की वीडियोज को अपलोड करूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अपने फ्रेजेस की तरफ। सबसे पहला फ्रेज है, ख्वाब देखते रहो, Keep on dreaming। आमतौर पर ये फ्रेज हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि there is something which is out of reality, कोई रियलिटी से आउट बात करता है या कोई ऐसी बात करता है, you know that it cannot happen। तो आप वहाँ पर ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, Keep on dreaming। Hey man, keep on dreaming, it will never happen। ऐसा कभी नहीं होगा, Keep on dreaming। तो आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप को आप एज ए स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या होता है, रूटीन लाइफ में जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो कीप के साथ हमेशा हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही होता है जैसे बिल्कुल आपके सामने आपको ग्रीन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कीप के साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे देता हूँ। कीप गोइंग, चलते रहो, या आप कह सकते हैं कीप रनिंग, दौड़ते रहो। Keep listening, सुनते रहो। Keep watching, देखते रहो, या आप कह सकते हैं Keep smiling, मुस्कुराते रहो। तो इस तरह आप इसको एज ए स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे इस तरह के सेंटेंसेस आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कीप के साथ आप हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं अपने सेकेंड सेंटेंस को। ये मजे का लगता है, इट साउंड्स लाइक फन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और कोई किसी चीज़ का जिक्र करता है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि लेट्स गो टू मूवी, लेट्स गो टू थिएटर, या लेट्स गो टू बीच, या ऐसी कोई ऑफर आपको मिलती है तो आप कहते हैं इट साउंड्स लाइक फन, वी कैन एंजॉय इट। ये बिल्कुल मजे का लगे, गो एंड एंजॉय इट, कि हम जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर यह फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट सा फ्रेज है, आपको आसानी से याद रहेगा। या आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट साउंड्स प्रीटी ईजी, ये बहुत आसान लगता है। आपसे कोई इस तरह की चीज़ें डिस्कस करता है और आपको लगता है कि अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो ये आसान है, तो आप वहाँ पे ये इंग्लिश का फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट साउंड्स प्रीटी ईजी। तीसरा सेंटेंस भी सिमिलर वे में आप बोल सकते हैं, दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा मनसूबा लगता है। कोई आपसे किसी प्लान को डिस्कस करता है और आप उसके प्लान को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आप ये फ्रेज यहाँ पे या ये सेंटेंस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा मंसूबा, ये अच्छा आइडिया लगता है। साउंड्स का मतलब होता है लगना, यू नो, समथिंग यू फील और समथिंग इट सीम टू बी। तो इसको भी एज अ स्ट्रक्चर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीकाकार क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पे इट इस्तेमाल हुआ हुआ है, और उसके साथ आप साउंड या साउंड्स इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर नाउन, वर्ब या सेंटेंस का वाक्य हिस्सा आप इस्तेमाल करते हैं। आप इसकी और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट साउंड्स ग्रेट, या आपने नाउन इस्तेमाल किया, इट साउंड्स ग्रेट, जबरदस्त लगता है। दैट साउंड्स ट्रबल, मुझे तो ये परेशान कौन लगता है। दैट साउंड्स ट्रबल, ये परेशान कौन लगता है। दैट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, ये मामला बड़ा पेचीदा लगता है। इस तरह के सेंटेंसेस भी आप बना सकते हैं और वहां पर साउंड एज अ स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 5, यस दैट्स व्हाट आई हर्ड एज वेल, हाँ ये वही है जो मैंने भी सुना है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के सारे प्लान्स आपके सामने डिस्कस किए जाते हैं या कोई इस तरह की बात की जाती है, तो वहां पे आप ये फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, यस, जी हाँ, दैट्स व्हाट आई हर्ड एज वेल, दैट इज व्हाट आई हर्ड एज वेल, या दैट्स व्हाट आई हर्ड एज वेल, हाँ मैंने भी ऐसा ही सुना है।
यहाँ पे याद रखिएगा दैट इज दैट्स लिखा गया है, जो कि कंट्रैक्शन है दैट इज की। तो मैंने पिछले वीडियोस में इसको डिस्कस किया है कि आप कंट्रैक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटिव स्पीकर्स आमतौर पर या अंग्रेजी बोलने वाले कंट्रैक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, रिटन इंग्लिश में भी ये एक्सेप्टेबल होती है और स्पोकन इंग्लिश में तो ये फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। छठी एग्जाम्पल देते हैं, मैंने टेस्ट में बहुत अच्छा किया। किसी जगह आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो वहाँ पे आप ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, आई डिड ग्रेट ऑन द टेस्ट, आई डिड ग्रेट ऑन द टेस्ट, मैंने टेस्ट में बहुत अच्छा किया। आप कह सकते हैं आई डिड ग्रेट ऑन एग्जाम, मैंने एग्जाम में अच्छा किया। इसके अलावा अगर आप किसी जगह बहुत खुश होते हैं और आप ये एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मैं बहुत पुरजोश हूँ। पुरजोश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हूँ। या आप कह सकते हैं आई फील ग्रेट, मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील ग्रेट, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप सेंटेंस को देखें उर्दू में तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सिचुएशन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बनती है जहाँ पे आप आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ फ्रेजेस ऐसे इस्तेमाल होते हैं जब बनाते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे आई फील ग्रेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है लेकिन उर्दू में इसकी मीनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं। तो इस तरह के डिफरेंसेस भी आते हैं, जैसे आप कहते हैं ओ आई सी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है लेकिन एक्चुअली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की इंप्रेशन देता है। ओ आई सी का मतलब होता है हाँ मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है, इसलिए फ्रेजेस को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। सो आई फील ग्रेट। एक और फ्रेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सकून है, व्हाट अ रिलीफ, व्हाट अ रिलीफ। फॉर एग्जांपल आप इम्तिहान देकर आते हैं या कोई टेस्ट देकर आते हैं या किसी काम से फारिग होते हैं या बीमारी से ठीक होते हैं तो आप कह सकते हैं व्हाट अ रिलीफ, क्या सकून है, यानी मुझे रेस्ट मिला है अब तो, आई एम डन विद माई वर्क, व्हाट अ रिलीफ, क्या सकून है। ये भी एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है, आप अपनी स्पीकिंग में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10, आप अगर अपनी काम की जगह पे हैं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में किसी जगह हैं तो आमतौर पर लोग ब्रेक टाइम में जाते हैं कैंटीन में खाना खाने के लिए, तो कुछ फ्रेजेस वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। सो हियर आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स, कुछ मिसालें मैंने यहाँ पे ली हैं। आई फील हंग्री, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इसके मीनिंग कंटिन्यूस एक्शन को शो करते हैं। आई फील हंग्री, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लगी है, आप उर्दू में जैसे जैसे कहना चाहें। डू यू गाइस फील सो, आप ऐसे भी कह सकते हैं आर यू गाइस हंग्री टू। आप इसे इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, कंटिन्यूस में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप नहीं डिस्कस करना चाहते तो यू कैन यूज इट एज अ फ्रेज, डू यू गाइस फील सो, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है, आई फील हंग्री, डू यू गाइस फील सो। अगर आप किसी पॉइंट पे एग्री होते हैं खाने के लिए तो आप वहाँ पे फिर ये कह सकते हैं, फ्रेज कह सकते हैं लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट, चलें और कुछ खा आए, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट। यहाँ पे आपने पूरी सिचुएशन को एक सेंटेंस में बयान कर दिया, लेट्स गो, चलो चलें, एंड हैव समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ ले लें। और अगर फर्ज करें आप रिसेप्शन पे जाते हैं या काउंटर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप अपने किसी फ्रेंड से पूछते हैं डू यू वांट एनीथिंग, हर एक बंदे ने अपना ऑर्डर दे दिया, एक बंदे ने नहीं दिया, तो आप उसे पूछ सकते हैं डू यू वांट एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वर्ब वांट और नीड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नीड आप वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ कोई ज़रूरत की चीज़ें लाइक पहनने की चीज़ हो, ओढ़ने की चीज़ हो, इस्तेमाल की चीज़ हो, तो आप वहाँ पर नीड को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर खाने पीने की बात हो रही है तो दैट्स बेटर, यू नो यू कैन यूज वांट, डू यू वांट एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। नंबर 13, नथिंग फॉर मी थैंक्स। फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पे मौजूद हैं कैंटीन पे, काम वाली जगह पे, स्कूल कॉलेज किसी जगह पे, कैंटीन में मौजूद हैं फ्रेंड्स के साथ, यू नीड टू जॉइन देम, यू नो यू नीड टू शेयर विद देम समथिंग। अगर आप कुछ नहीं खाना चाहते तो आप ये कह सकते हैं नथिंग फॉर मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स, शुक्रिया, नथिंग फॉर मी थैंक्स। आप एडिशनल सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे बैग में पहले से कुछ खाना है, आई ऑलरेडी हैव सम फूड इन द बैग, आई ऑलरेडी हैव सम फूड इन द बैग। या आप इनकी जगह फूड की जगह और इस तरह के नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कह सकते हैं आई ऑलरेडी हैव अ सैंडविच इन माई बैग। या आप ऑलरेडी का वर्ड ना इस्तेमाल करें तभी आप कह सकते हैं आई हैव अ सैंडविच इन माई बैग। अगर किसी खाने को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये केक वाकई मज़ेदार है, दिस केक इज़ रियली डिलिशियस, आप टेस्टी की जगह
डिलीशियस को रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि ज्यादा अच्छा तासुर देता है, खासतौर पर अगर आप कोई इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ वोकैबुलरी को देखा जाता है। दिस केक इज रियली डिलीशियस, ये केक बड़े मज़े का है। दिस फूड इज रियली डिलीशियस, ये खाना बड़े मज़े का है। आप कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि इसका जायका किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंप्रेशन देते हैं कि यार मैं जरा चेक टेस्ट करके देखता हूँ कि इसका जायका कैसे, चेक कर देखता हूँ। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट टेस्ट, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट टेस्ट, मैं देखना चाहता हूँ कि इसका जायका कैसा है। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट टेस्ट। नंबर 17, आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग, आर यू श्योर, क्या आप वाकई कुछ नहीं चाहते हैं? Are you sure you don't want anything? For example, सब लोगों ने वहाँ पर order दे दिया और एक दोस्त ने नहीं दिया, so feel something, you know, awkward situation. Everybody is eating and one guy is not eating. तो आप वहाँ पर just as a reminder again पूछ सकते हैं, Are you sure you don't want anything? Are you sure को भी आप as a structure इस्तेमाल कर सकते हैं। आप is, are के साथ subject लगाएं, फिर sure लगाएं और फिर बाकी सेंटेंस का पार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं या क्लॉज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आर यू श्योर दिस इज ट्रू, क्या तुम यकीन है कि ये सच है? इज ही श्योर अबाउट द वे, क्या वो इस रास्ते के बारे में उसे यकीन है कि ये सही रास्ता है? या आर यू श्योर वी आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, आपको यकीन है कि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं? आर यू श्योर वी आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। तो आप इस तरह से आर यू श्योर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आर यू श्योर अबाउट दिस सिचुएशन, कि आपको न्यू रूल्स के बारे में पता है? तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आर यू श्योर यू डोंट वांट एनीथिंग, कि आप वाकई आप कुछ नहीं चाहते हैं? आप अगर सेंटेंसेस से थोड़ा सा इरिटेट हो तो वहाँ पर आप ऐसा इंप्रेशन दे सकते हैं, डोंट टेम्प्ट मी, मुझे लालच मत दो, डोंट टेम्प्ट मी, कि भाई खाने की तारीफें करके मुझे लालच मत दो, डोंट टेम्प्ट मी, मैं दोपहर के खाने के लिए अपनी भूख को बचाना चाहता हूँ। ये एक ज़बरदस्त फ्रेज है, आप ये बोल के अपने पैसे बचा सकते हैं। आई वॉन्ट टू सेव माई एपिटाइट फॉर लंच, मैं दोपहर के खाने के लिए अपनी भूख को बचाना चाहता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं, आई एम ऑन डाइटिंग, मैं डाइटिंग पे हूँ। सेंटेंस 20, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आपका कोई फ्रेंड है जो कि काउंटर पर मौजूद है एंड ही इज़ ऑर्डरिंग फॉर एवरीवन, सो यू कैन प्लेस योर ऑर्डर बाय सेइंग Some chips would be fine with me. मेरे लिए कुछ चिप्स ठीक होंगे, या आप मेरे लिए चिप्स खरीद सकते हैं, You can buy some chips for me. या अगर आप इसे और फॉर्मल वे में कहना चाहें तो आप कहेंगे Some chips would be fine with me. मेरे लिए कुछ चिप्स ठीक रहेंगे। यहाँ पे ये एक फ्रेज कॉमनली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो आप किसी को ताकीद कर सकते हैं, मेक श्योर दे आर फ्रेश, तसल्ली कर ले कि वो ताज़ा हैं। या आप कह सकते हैं मेक श्योर द वेजिटेबल्स आर फ्रेश, तसल्ली कर लो कि सब्जियां ताज़ी हैं, मेक श्योर द फ्रूट्स आर फ्रेश, तसल्ली कर लो कि फ्रूट ताज़ा है। इस तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी आप स्ट्रक्चर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेक श्योर के साथ आप बाकी सेंटेंस का एक पार्ट लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेक श्योर यू नो द वे, आप किसी के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर ताकीद कर सकते हैं एज अ रिमाइंडर, मेक श्योर यू नो द वे, तसल्ली कर लो कि तुम्हें रास्ते का पता है, We are not going in the wrong direction. कि हम गलत सिंप में नहीं जा रहे हैं। Make sure this is the right one. तसल्ली कर लो कि ये ठीक वाला है। आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप उसे कह सकते हैं, यार तसल्ली कर लो कि ये तुम सही चीज़ खरीद रहे हो। Make sure we are meeting the right person. Make sure we are meeting the right person. तसल्ली कर लो कि हम सही शख्स से मिल रहे हैं। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, Do we still have enough money to buy it? फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि बजट टाइट हो रहा है या खरीदारी बढ़ रही है, तो आप ये सेंटेंस यहाँ पे बोल सकते हैं, डू वी स्टिल हैव इनफ मनी टू बाय इट, क्या हमारे पास अभी भी इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकें? डू वी स्टिल हैव इनफ मनी टू बाय इट। अगर आप इसे शॉर्ट वे में कहना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, डू वी स्टिल हैव इनफ मनी, या आप इसे ऐसे करें, डू वी स्टिल हैव इनफ मनी फॉर शॉपिंग, डू वी स्टिल हैव इनफ मनी टू बाय इट। नेक्स्ट, आप अगर बस में सवार होते हैं या वैन में या किसी जगह आप बैठते हैं तो वहाँ पे आप इस सेंटेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, या क्लास में या किसी भी जगह, किसी सेमिनार में आप जाते हैं तो आप अपने दोस्त को देखते हैं कि ही इज़ सिटिंग ऑन द सीट, ही फाउंड हिज सीट एंड ही इज़ प्लेसिंग हिज थिंग्स, वो अपनी चीज़ें वहाँ रख रहे हैं, तो आप इसे कह सकते हैं, यार मेरे लिए एक निश्चित बचा लो, सेव मी अ सीट, मेरे लिए एक निश्चित बचा लो, सेव मी अ सीट।
आई एम हेडिंग टू यू, मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ। आप इसे सिंपल वे में भी कह सकते हैं, आई एम कमिंग टू यू, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, या आई एम गोइंग टू यू, मैं तुम्हारी तरफ जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है, लेकिन हेडिंग का वर्ड भी आमतौर पर इस्तेमाल होता है। नेटिव स्पीकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवांस ग्रामर में या एडवांस लैंग्वेज में इस्तेमाल हो सकता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई एम हेडिंग टू यू, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी सम्त में ही आ रहा हूँ। आप ऐसी सिचुएशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं और आपको शायद वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाएगा और बाद में सीट कोई ले लेगा, तो आप उसे कह सकते हैं कि यार मेरे लिए ये सीट ज़रा रिजर्व कर लो, कोई चीज़ उस पर रख लो, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ, बस ज़रा लोगों से धक्कम पेल में मसरूफ़ हूँ। सो आई एम हेडिंग टू यू, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। या अगर फ़र्ज़ करें कि किसी जगह आपको सीट की चॉइस मिलती है, तो आप क्या करते हैं, फ्रंट सीट पर बैठते हैं। तो आप कह सकते हैं, इट वुड बी वाइज टू सिट एट द फ्रंट सीट। दानिशमंदी इसी में होगी कि अगले नशिस्त पर बैठें। इट वुड बी वाइज टू सिट एट द फ्रंट सीट। नंबर 25, आप कट डाउन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कम करने के लिए आप डिक्रीज भी इस्तेमाल करते हैं या लेसन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ज़रा एक फॉर्मल तरीका आ जाता है। कट डाउन ऑन योर इनटेक ऑफ शुगर, शुगर की मिकदार में कमी करें। Cut down on your intake of sugar. It's not good for health. ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। Cut down on your intake of sugar. It's not good for your health. आप एक और sentence इस्तेमाल कर सकते हैं। Cut down on your intake of fatty foods. Cut down on your intake of fatty foods. चर्बी वाले खाने की शिया को कम करें। या आप कह सकते हैं, Cut down on your intake of junk foods. Cut down on your intake of fast foods. ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कंटेन अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, में बहुत ही कोलेस्ट्रॉल होता है। अगेन आप कह सकते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दे कंटेन अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इनमें काफ़ी मकदार में कोलेस्ट्रॉल होता है। दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ, ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेंटेन योर स्पीच। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, आई एम डन विद माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। या आप कह सकते हैं, आई एम डन विद माई असाइनमेंट, मैंने अपनी असाइनमेंट कर ली है। परफेक्ट सेंटेंस की सेंस में आता है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ फ्रेज इस्तेमाल होता है, आई एम डन विद माई होमवर्क, आई एम डन विद माई असाइनमेंट। और अगर आप इसे कहें कि नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम नॉट येट डन। या आप येट को एंड पे भी लगा सकते हैं, आई एम नॉट डन येट, आई एम नॉट डन येट। या आप कह सकते हैं, आई एम नॉट येट डन। 29th phrase, I haven't yet finished. आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ आप perfect tense इस्तेमाल करते हैं, जो commonly इस्तेमाल होता है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ या ख़त्म नहीं हो चुका है, I haven't yet finished. I haven't yet finished. और अगर आप इसे कहें कि ख़त्म हो चुका है, तो आप कह सकते हैं, I have already finished my work. मैं अपना काम ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ। लास्ट सेंटेंस है, I'm all set to go. मैं जाने को तैयार हूँ। I'm all set to go. मैं जाने को तैयार हूँ। वैसे आप ये सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, I am ready to go. मैं जाने के लिए तैयार हूँ, I am ready to go. लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में बात कर रहे हैं जहाँ आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप साथ लेकर जा रहे हैं और ये आपकी रिक्वायरमेंट है किसी जगह जाने के लिए, तो आप वहां पे बजाय इस सेंटेंस के आई एम रेडी टू गो की जगह आप कह सकते हैं, आई एम ऑल सेट टू गो। या अगर इस तरह के फ्रेजेस आपके सामने आते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता है व्हाट डू दे मीन। आज के लिए इतना ही, मैंने आपको थोड़ी इंग्लिश फ्रेजेस बता दिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपनी भी राय दे सकते हैं और मुझसे कुछ पूछ सकते हैं और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कैसे फ्रेजेस चाहिए अपनी वर्कप्लेस के बारे में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। मजीद वीडियो के लिंक्स मौजूद है राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे, आप वहां से क्लिक करके जा सकते हैं। मेरी पिक्चर के आइकन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मुझे फॉलो करके फेसबुक पेज पे मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। अब वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।